अगर आपको दीनी तालीमात लेनी है जैसे कुरान, मखरज, तस्बीह और मजलिस के खुसूसी क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। काफला कमर बनी हाशिम एक बार फिर से एतराफ की ज्यारतों के लिए निकला हुआ है। हम अभी निशापुर में हैं और अभी बीबी शतीता की ज्यारत करके आ रहे हैं। बीबी शतीता के रोजे के सामने ही बीबी पसंदा का घर है, तो आइए जानते हैं कि इमाम रजा बीबी पसंदा के ही घर में क्यों रुके। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम जिस वक्त मदीने से निशापुर की तरफ आ रहे थे, आपको पता है कि ये शहर निशापुर है और आपने सुना होगा इंशाल्लाह जब कदमगाह पे पहुंचेंगे वहाँ पे जो हदीस इमाम ने फरमाई थी और लोग जमा हुए थे वो तफसील के साथ आपकी खिदमत में वहाँ पर मैं मुफस्सल पूरा बयान करूँगा। जब शाम का वक्त हुआ और ये हुआ कि अब यहाँ पर ठहरते हैं, रात गुजारते हैं, इंशाल्लाह फिर जब सुबह होगी नमोदार होगी तो फिर इंशाल्लाह सफ़र का आगाज करेंगे। और जब जैसे ही ये जुमला सुना इमाम की ज़बान से लोग जो है क्या कहते हैं मुतमन्नी हो गए कि इमाम रुकेंगे कहाँ पर। हर कोई कह रहा था मौला हमारे घर पे, मौला हमारे घर पे, मौला हमारे घर पे, हर कोई चाह रहा था। इमाम ने फरमाया कि मेरी सवारी वही जैसे करबला में, इमाम ने कहा था जहाँ सवारी रुक जाएगी समझ लेना वही मेरी कत्लगाह है, वहीं पर मैं शहीद किया जाऊंगा। इमाम ने कहा जहाँ रुक गए और इमाम रजा अलैहिस्सलाम की सवारी चलते हुए आके इसी मुकाम पर रुकी। ये बीबी पसंदे जिनका नाम है, पसंदे इनका नाम इसलिए पड़ा कि इमाम ने इनको पसंद किया। पसंद वो वाला नहीं, गलत वाला जुमला ने मफहूम नहीं निकालिएगा, पसंद इनको इनके घर में रहने के लिए किया। असल में बात यह है मौला ने बहुत सारे लोगों की दावत को कबूल नहीं किया, फरमाया कि जिसके घर पे मेरी सवारी रुक जाएगी मैं वहीं आ जाऊंगा। सवारी इनके घर पे क्यों रुकी? इनकी दो बातें बहुत अच्छी थी, एक कुरान की तिलावत और दूसरे वक्त पर अदायगी नमाज। इमाम ने इसलिए इनका इंतखाब किया। इनके घर में इमाम ने जो दातून किया था, देखो वहाँ लगा हुआ है एक पूरा पिक्चर, एक पूरी फिल्म उसमें बताई गई, वो जो पेड़ लगा हुआ है उसी से जो है लकड़ी तोड़कर इमाम ने दातून किया, दातून तो समझते ब्रश किया, और उसके बाद जो है इसमें फल नहीं आते थे, फल आने लगे, और फिर इस फल को जो भी खाता था वो मरीज शफा पा जाता था। ये चूँकि पसंदें जो थी, ये बारहवीं पसंदें जो थी, इनका फाइनल नहीं कि शिया थी या अहले सुन्नत थी, लेकिन वही पहले हुए थी, ये बात फाइनल है कि मोहब्ब अहले बैत। बहरहाल इमाम रजा अलैहिस्सलाम रुके, इनके बेटे को बहुत बुरा लगा चूंकि लोग आते थे और खाते थे, उसने पेड़ कटवा दिया। एक हफ्ते में उसका हाथ जो है क्या कहते हैं वो काम करना बंद कर दिया, और फिर डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा हाथ काटना पड़ेगा और वो हाथ काटना पड़ गया। फिर उसके बाद जो है दूसरे बेटे ने उसको पूरा पेड़ ही कटवा के पता नहीं कहाँ फेंकवा दिया, और उसके जो है तीन हफ्ते के बाद वो मर गया। लेकिन उस पेड़ का अब तो पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस जगह पर है, ये घर का पता है कि ये घर उन्हीं का था और ये कब्र उन्हीं की है जो यहाँ पर उनके इंतकाल के बाद इनको यहाँ पर दफन किया। ये इनका असली नाम नहीं है, पसंदी इनको इसलिए कहते हैं कि इमाम रजा ने पसंद किया घर का, कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम एक रात इनके घर पे मेहमान हुए। क्या कहना है ऐसी औरतों का जिनके घर इमाम मेहमान होते हैं, अल्लाह हू अकबर। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि मौला हमारे घर फर्श रजा बिछाते कि आ जाए, और यहाँ पे इन्होंने ऐसा कि घर को, मैंने पहले वाले टूर में कहा था कि घर को ऐसा बनाइए कि इमाम खुद आए, बुलाने की जरूरत न पड़े। घर को ऐसा बनाइए जिस घर में पिक्चर चले, यकीन जाने उस घर में कभी इमाम नहीं आ सकते। लाइए मैं लिख के देता हूँ, कब इस खबर पे हाथ रख के मैं कह रहा हूँ, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े चाहे वो मियां बीबी को चाहे सास और जो है क्या कहते हैं उसके हो, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े हो, गाली गलौज और मारपीट और एक दूसरे को बुला बुला कहा जाता हो, कतान में इस कब्र पे हाथ रख के कहता हूँ उस घर में इमाम नहीं आ सकते। वो आपके घर में टीवी नहीं है, दूसरी मुश्किलें हो सकती है, उसको भी बचाइए। अगर टीवी नहीं ना हो तो कमाल नहीं, टीवी हमारे घर में बहुत बड़ी एलसीडी लगी, बच्चे तो नहीं, हमारे घर में बहुत बड़ी एलसीडी लगी है। टीवी होना होना कमाल नहीं, मोबाइल सब कुछ काम कर रहा है एक बात, दूसरे मोबाइल ही होना सिर्फ पिक्चर ना देखना कमाल की बात नहीं, कमाल की बात यह है कि नमाज भी अदा होती है। जिस घर में जो है क्या कहते हैं लोग सो रहे हैं, नमाज आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस घर में कभी इमाम नहीं आ सकते। हकीकत यह है, आप सिर्फ एक जुमला है, अगर आप चाहते हैं कि अपने माहौल को अपने घर को, मैं बहुत अहम बात कहूं, आप हमारे, आप देखिए हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे 10 मिनट अगर बैठ जाए गाड़ी में, मैं अपने बच्चे की बात करूं तो फौरन गेम खेलने लगते हैं। करबला के मैदान में कितने बच्चे थे पता है आपको,
53 या 43 की तादाद नकल हुई। मुझे बताइए, किसी एक बच्चे ने कहा कि 9 दिन हो गए परेशान है, जो है क्या कहते हैं घर में, तो घर में रह रहे परेशान है, धूप है, थोड़ा बाहर ऐसे जाके वहां मख्तल में जरा खेल के आते, किसी बच्चे ने कहा था? माओ ने तरबियत ऐसे की, वो बच्चे भी बच्चे थे, उनके पास बॉडी आंख कान नाक हाथ पैर तो खेलने उनका भी दिल चाहता था, लेकिन तरबियत माओ ने ऐसी की थी कि देख रहे थे नहीं, हमें दुश्मन से मुकाबला करना, हमें खेलना नहीं है। गौर किया आपने, हमें दुश्मन से मुकाबला करना है। अगर आप चाहते हैं मौला बगैर बुलाए आपके घर में आए, अपने घर को सही बना दीजिए, मौला आ जाएंगे। मौला को कोई वो नहीं, बस इस घर को, अपने घर को इस लायक बनाए कि जैसे इनके घर पे आए थे वैसे आपके घर पे आ सकते हैं। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा बानू पसंद की रूह को इस्तेमाल फरमाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल ज़्यारतों के सफ़र को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जितने भी नए वीडियोस आए आपको वो मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।